आप सबों ने पाता है कि 2 साल तक कोरोना से प्रभावित था इस राज्य भी, देश भी और दुनिया भी। और उस समय भी हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा कौशल नेतृत्व दिया है इस राज्य के अंतर्गत में, उसका उदाहरण है। जब प्रवासी मजदूर, जब केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन कर दिया, जो जिस जगह में रह गया उसी जगह खड़ा होकर रह गया 60 दिन 70 दिन तक, उसी समय जो कहते थे, बहुत आदमी का आवाज होते थे, हम हवाई चप्पल वाले को भी हम प्लेन में चढ़ाएंगे, देश में कोई नहीं काम किया, ये हेमंत बाबू नहीं काम किया, प्रवासी मजदूर को हवाई जहाज से झारखंड प्रदेश को लाने का काम किया। ये था नेतृत्व। और हर समय विपक्ष ने चाहता था कि यह सरकार को स्थिर नहीं रहने दिया, हर समय केंद्रीय एजेंसी हर काम में, कभी कभी सचिवालय भी ये सन्नाटा होते थे। लेकिन 4 साल हेमंत बाबू ने बड़ा को बेहतर नेतृत्व तो दिया है। और बहुत सा विपक्ष का बात सामने आता है, ये पार्ट 2 है। हम तो कहते हैं पार्ट 2 जरूर है, क्योंकि जनादेश हमको 5 साल के लिए हेमंत बाबू का नेतृत्व तो मिला है। 4 साल करने के बाद जो बचा हुआ का समय है उसको पूरा करना है। किन लोगों के लिए, हम लोग जानते थे कि झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, और उसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली को मिला है लाभ। लेकिन यहाँ का झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी जहां की तहां हो गया है, जहां की तहां हो गया है। बदन में कपड़ा नहीं, गर्मी समय में पैर में चप्पल नहीं। इसीलिए आज क्यों आबू आवास जरूरत पड़ा, जो 2022 तक केंद्र सरकार ने बोलता सबको आवास पक्का दे देंगे, बड़ा जोर से प्रचार होता है। लेकिन ये राज्य सरकार हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार भी किया, आपने भी संग जाके बात किया कि आप लोग पैसा दीजिए प्रधानमंत्री आवास का। जब नहीं दिया तब ये सोचा कि हम अपना झारखंड के अंतर्गत, प्रदेश के अंतर्गत, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक, जो भी बेघर है उनको सबको हम लोग देंगे अब आवाज, ये तय हुआ। और 2 कमरा नहीं 3 कमरा देने का निश्चय हुआ। इसलिए आज सरकार अपने बल पर जब वो अपना हिस्सा 80,000 देने के लिए पीछे हो गया, तब हम लोग ये सरकार अपने स्वयं फैसला लेना पड़ा कि हम लोग देख नहीं सकता है कि कच्चा मकान, कहीं प्लास्टिक से ढका हुआ मकान में हमारा परिवार रहने के लिए। इसलिए इस